हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर पेपेक्स और आपका स्वागत है एक बहुत ही मज़ेदार ट्यूटोरियल में। आज हम जो करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम ये बनाना सीखेंगे कि ऑयल पेंट इफेक्ट कैसे करते हैं। ये करना बहुत ही सिंपल है, पर ये करने के लिए आपको दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ चाहिए आपको। वो दो है फिल्टर, आपको फिल्टर दो फिल्टर जरूर चाहिए इसमें। इमेज ऑनी का नाइज वेयर और निक सॉफ्टवेयर का कलर एफेक्ट्स प्रो, ये दो फिल्टर आपको ये इफेक्ट बनाने के चाहिए। आप देखें हमारा इमेज पहले ऐसा था और उसमें ये एडजस्टमेंट करके हमने ऐसा किया, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इफेक्ट करते कैसे हैं। इसके लिए आपको ये दो फिल्टर बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपना एक इमेज लेंगे जो प्लेन होगा। अपना इमेज लेके सबसे पहला मैं काम करूँगा, इसका दो कॉपी बनाऊँगा, कंट्रोल जे कंट्रोल जे। मैं ऊपर वाला का नाम लिखूंगा हेयर और नीचे को रीनेम करके लिखूंगा फेस। इसे मैं इसका हेयर के एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करूंगा, तो इसे मैं फिल्टर में जाऊंगा ऑयल पेंट। यहाँ जो ऑयल पेंट का फिल्टर है इसका ये मतलब नहीं कि हमारा इफेक्ट पूरा तरह आ जाएगा, ये बस इसे बहुत बेसिक एडजस्टमेंट देता है। तो मैं इसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हेयर के लिए यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए हमारा हेयर जो है, मैं स्टाइलाइज को रखूँगा 7 के आसपास और क्लीनिनेस को मैं रखूँगा 5 के आसपास। और स्केल को जितना कम रखिए उतना अच्छा है, क्योंकि स्केल जो है नॉइज़ का स्केल है। ब्रिसल डिटेल को रखूँगा 4 और एंगुलर डायरेक्शन को रखूँगा 300 और साइन को रखूँगा 1.35। ये हमारा ऑयल पेंट का सेटिंग्स है। इसे मैं ओके प्रेस करूँगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लेयर मास्क ऐड करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं ऐड लेयर मास्क, तो यहाँ पे ये मास्क ऐड हो गया। अब मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है हेयर को छोड़ के उसे मैं इरेज करूँगा। मैं यहाँ बहुत जल्दी कर रहा हूँ, पर आप जब करें तो स्लोली करें और थोड़ा अच्छा से करें। मैं थोड़ा यहाँ स्पीड से करता हूँ। ये करने के बाद मैं इस लेयर मास्क को अप्लाई करूँगा, अप्लाई लेयर मास्क, मर्ज कर दूँगा। अब मैं इस दोनों लेयर को मर्ज करता हूँ, हेयर और फेस को, कंट्रोल ई। ये दोनों लेयर मर्ज हो गया। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में, जो फिल्टर मैंने कहा था वही फिल्टर में, निक सॉफ्टवेयर में जाऊँगा और यहाँ कलर इफेक्ट्स प्रो में क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं प्रीसेट में जो है वहाँ से मैं लूँगा डिटेल एक्सट्रैक्शन, यहाँ हमारा है डिटेल एक्सट्रैक्शन, इसे लूँगा और इसको डिटेल को थोड़ा बढ़ाऊँगा। इतना रखता हूँ और कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ाता हूँ। ओके, ये करने से आप नोटिस करेंगे कि इमेज में बहुत सारा ग्रेन आ गया है जो मुझे हटाना है। ये हटाने के लिए मैं दूसरा फिल्टर यूज़ करूँगा, जो फिल्टर हमारा है इमेज ऑनिक का नॉइज वेयर। इसे मैं दो बार अप्लाई करूँगा, एक बार डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है वही रहेगा और फिर एक बार इमेज ऑनिक नॉइज वेयर। ओके, इसे मैंने दो बार अप्लाई किया। ये करने के बाद मैं इसका ओपेसिटी कर दूँगा 70 के आसपास। ये होने के बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई और यहाँ मैं जाऊँगा फिल्टर गैलरी और ग्लो में जाऊंगा, डिफ्यूज ग्लो में, जो हमारा सेटिंग है ग्लो अमाउंट है 2 और क्लीन अमाउंट है 20 और इसे मैं ओके प्रेस करूंगा। ये करने के बाद मैं जाऊंगा कैमरा रॉ में, फिल्टर कैमरा रॉ, यहाँ मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा कम करूंगा। ओके, यहाँ जाऊंगा एफएक्स में, इसका हाईलाइट प्रायोरिटी को माइनस में लेके जाऊंगा
और थोड़ा कम करता हूँ। तो इस तरह से देखे हमारा इफेक्ट रेडी है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप भी इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करें, अब जो मैंने सेटिंग्स बताए हैं वो सेम ना यूज़ करें, थोड़ा चेंजेस करें तो आपका इफेक्ट भी थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा अलग लगेगा। आई होप कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैं आगे भी इसी तरह ट्यूटोरियल बनाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।